डियर स्टूडेंट, पिछले 10 लेक्चर में हमने आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन बताए जो कि न्यू कमर स्टूडेंट के लिए यानी क्लास 11 में आने वाले नए लड़कों के लिए काफी आवश्यक होता है। अब हम आज की क्लास में क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर की यानी पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि आपके क्लास 11 के सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं वो हमने सब लिख दिया था, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट के जो निर्देश आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड अपने सिलेबस से 30% भाग काट चुका है। हर स्टेट बोर्ड अलग अलग अपने हिसाब से सिलेबस को रिड्यूस करेगा यानी कम करेगा। जैसे पिछले दिन बिहार बोर्ड यानी बिहार सरकार ने घोषणा की है, अभी केवल यह घोषणा है कि हम अपने यहाँ चलने वाले स्कूल कॉलेज में क्लास 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में 35% की कमी करेंगे। अब 35% की कमी किस पोर्शन से की जाएगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। साथ ही साथ यह भी निर्देश उसमें लिखा हुआ है कि किसी महत्वपूर्ण पाठ को नहीं हटाया जाएगा, यानी जो बेसिक होंगे, जो फंडामेंटल्स होंगे, उस यूनिट को नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसे में हम शुरुआत करते हैं, जो कि निश्चित तौर पर अगर कोई भी आदमी या किसी भी कमेटी के पास सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए रखा जाएगा तो ये पोर्शन, जैसे आपके सिलेबस में कुछ पोर्शन यानी क्लास 11 के सिलेबस में जो कुछ पोर्शन है उसको निश्चित तौर पर नहीं हटाया जाएगा। तो वो यूनिट जैसे होते हैं सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब किसी भी सूरत में कभी आपके सिलेबस से रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स हैं, यानी ये आपके सिलेबस का सबसे बेसिक यूनिट है यानी फंडामेंटल यूनिट है। और आज से जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगे वो सारे के सारे वीडियो आपके सिलेबस का होगा, और आज हम पहला यूनिट आपके सिलेबस का शुरुआत करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसको हिंदी में आप कहोगे तो रासायन के मूलभूत सिद्धांत, रासायन के मूलभूत सिद्धांत। या इससे पहले जो सिलेबस था, तो इस चैप्टर में जितने भी पोर्शन दिए गए थे पहले के सिलेबस में, इस चैप्टर को कहा जाता था मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। हिंदी में इसको आप लिखोगे मोल संकल्पना, मोल संकल्पना, मोल संकल्पना, या सीधा मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, मोल अवधारणा। यानी आज के वीडियो में हम आपके सिलेबस का पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं, वह यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रासायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत, रासायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत। तो इसमें आप समझिए कि आपको पढ़नी क्या क्या है, यानी आपको हम या कोई भी लोग जो हमारे जैसे दूसरे लोग पढ़ाते हैं वह आपको सिखाता क्या है। आप एनसीईआरटी जो कि
अभी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में जो सिलेबस चलता है उस सिलेबस में सारे के सारे लोगों को यह खास तौर पर निर्देश है कि वह एनसीईआरटी को फॉलो करें। और एनसीईआरटी का किताब खोलोगे आप तो एनसीईआरटी के किताब में जहां कहीं भी कोई यूनिट शुरू होता है तो उसके पहले वाले पेज पर, यानी जिस जगह से कोई यूनिट शुरू होता है तो आप देखोगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में पेज पर देखिए बैकग्राउंड, जिसका किसी बुक में जनरली देखिए पिंक कलर पर कुछ लिखा रहता है, और उसमें आपको ये बताया जाता है, गौर से आप उसको पढ़ोगे कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे। यानी ये जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, रसायन के मूलभूत सिद्धांत को पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे, यानी आपको हम क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए आम बोलचाल है, ठीक, जैसे देखिए हम बोलते हैं कि हमने 5 घंटे तक काम किया, 5 घंटे तक काम किया, इसमें देखिए घंटा यानी 5 आवर्स अगर हम वर्क करते हैं तो ये आवर्स क्या है, यह टाइम का यूनिट है। अगर हम बोलते हैं 5 आवर्स तो निश्चित तौर पर हम समय को डिनोट कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम बोलते हैं 5 केजी, 5 केजी तो इसका मतलब हम वेट को बोल रहे हैं, यानी मास को, यानी किसी चीज का हम वजन बता रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं 100 मीटर, 200 मीटर या 10 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तो यह क्या बताता है, लंबाई को बताता है। जैसे देखिए आप क्लास 11 के फिजिक्स वाले पोर्शन में अगर जाओगे, यानी फिजिक्स सब्जेक्ट में जाओगे, तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, और यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आपको बताएगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताएगा कि कुछ फंडामेंटल यूनिट से दूसरे एलिमेंट के, सॉरी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हम यूनिट किस तरह से डिराइव करेंगे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए हमने केमिस्ट्री पढ़ने की शुरुआत की तो हम केमिस्ट्री में भी किसी चीज का मॉक टॉल करेंगे। जैसे हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं, इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड कर रखा है उस वीडियो में आप देखिए, उस वीडियो में हमने आपको बताया है, उस वीडियो में हमने आपको बताया है फंडामेंटल टर्म्स के बारे में कि यानी फंडामेंटल टर्म्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, यानी फंडामेंटल टर्म्स कौन कौन सा होगा, इसके बारे में हम आपको बताए हुए हैं। अब अगर मान लीजिए किसी फंडामेंटल टर्म को, किसी फंडामेंटल टर्म को हमको व्यक्त करना है तो उसके लिए हम केमिस्ट्री में कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, हम केमिस्ट्री में किस यूनिट को इस्तेमाल करेंगे, यानी केमिस्ट्री में हम किसी चीज को व्यक्त करने के लिए, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए, जैसे हम आपको फंडामेंटल टर्म्स में बताए हैं एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयन होते हैं, तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन इसको सपोज कर लीजिए हमको किसी समय एटम, मॉलिक्यूल और आयन को हमको किसी समय मॉक टॉल करना है। तो एटम के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैनोट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्टी ने केमिकल रिएक्शन। अब देखो आप कहोगे कि सर जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं हम उसको तौलेंगे कैसे, उसका वजन कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए हम किसी समय आपको एक बाल तोड़ के अपना एक हेयर निकाल के माथे से और इसको कहें वेट करके आओ, या किसी टाइम हम आपको एक आटा के कण का वजन करने बोलें या
एक मैदा के कण का वजन करने बोले तो आप बोलोगे कि सर इसका कोई इंपॉर्टेंस होता है? इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं आप एक किलो मैदा लाए और उससे कुछ मैदा के कण को उड़ा दीजिए तो उसका वजन घट जाता है, यानी एक एक कण का वजन होता है। तो एटम उसी के तरह के माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, तो उसके वेट के मेजरमेंट के लिए यानी एटम या मॉलिक्यूल या आयन के वेट के मेजरमेंट के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको देखिए हम इन शॉर्ट लिखते हैं AMU। हिंदी में देखिए इसको लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी ये परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होते हैं, यानी अगर हम परमाणु का वेट बताते हैं, ठीक, जैसे देखिए सभी बच्चे कुछ न कुछ तो पढ़ के रखे होंगे, आप पढ़ते हैं कार्बन के परमाणु भार 12 होते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु भार 1 होते हैं, यानी एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज 56। तो ये 56 क्या, 56 ग्राम, जी नहीं, ये सब के सब एटॉमिक वेट होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई में। तो देखिए सबसे पहला हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यही एटॉमिक मास यूनिट होते क्या है, और हम देखिए अपने आम इस्तेमाल में अगर किसी चीज का वजन मेजर करते हैं तो या तो ग्राम में करते हैं या किलोग्राम में करते हैं, और अधिक ज्यादा वजन होता है तब हम उसको मेजर करते हैं किस में, तब हम उसको मेजर करते हैं क्विंटल में, बहुत ज्यादा वजन होता है तो किस में मेजर करते हैं, टन में। लेकिन यहां हम बहुत ज्यादा वजन की नहीं बल्कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल के वजन को मापेंगे। तो सबसे पहला देखिए हम डिफिनेशन लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई का। चलिए पहले अंग्रेजी में देखिए हम लिख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में हम डिक्टेट करके लिख देंगे। यानी पहले एटॉमिक मास यूनिट का हम डिफिनेशन लिखते हैं किसमें, अंग्रेजी में। तो देखिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे डिफिनेशन, टू मेजर दी वेट ऑफ, टू मेजर दी वेट ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल और आयन दी वेट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन or the 1/16th part of weight of O16 atom or 1/12th part of weight of or 1/12th part of weight of C12 atom is taken as unit. This unit is called this
this unit is called atomic mass unit. This unit is called atomic mass unit. यानी यही इकाई एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है. एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखे हैं. टू मेजर द वेट ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल और आयन द वेट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1/16 पार्ट ऑफ वेट ऑफ O16 एटम. और देखिए O16 कैसे लिखना है. O लिख के उसके पीछे तरफ यानी बाई तरफ ऊपर में लिख देना है 16. इसका मतलब क्या हुआ. ऑक्सीजन का हुआ आइसोटोप. आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे आइसोटोप जिसको हम हिंदी में कहते हैं समस्थानिक. यानी ऑक्सीजन का हुआ परमाणु जिसका परमाणु भार 16 है O16 एटम और 1/12 पार्ट ऑफ वेट ऑफ C12 एटम. यानी कार्बन 12 परमाणु का 1/12 पार्ट टेकन एज यूनिट. यानी यह लिया गया है इकाई के रूप में. दिस यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. यानी यह यूनिट ही क्या कहलाता है. एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है. यानी यही कहलाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई. ठीक. पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग तब हम हिंदी में फिर से इसका डिफिनेशन आपको लिखाते हैं. चलिए आप लोग लिखिए जल्दी. लिख लिए होंगे आप. अब इसको हिंदी में लिखिए. हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं उसको हिंदी में लिखिए. चलिए लिखिए. किसी परमाणु कॉमा देके लिखिएगा अणु एवं आयन के द्रव्यमान को मापने के लिए हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को या आप ऐसे देख के लिखोगे O16 देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं O16 का मतलब हुआ ऑक्सीजन का हुआ समस्थानिक जिसके परमाणु भार 16 होते हैं. O16 के एक परमाणु के द्रव्यमान के O16 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 को
एक बटे सोलह में भाग को या सी बारह, देखिए सी और इस तरह से लिखेंगे ट्वेल्व। आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बच्चे क्लास नाइन में पढ़े होंगे, ठीक पीछे की तरफ हम यानी किसी एलिमेंट के सिंबल में बाईं तरफ ऊपर में लिख देंगे तो यह बताएगा एटम मास नंबर। तो देखिए सी बारह का मतलब हुआ कार्बन का हुआ परमाणु, जिसका परमाणु भार क्या होता है बारह होता है। तो सी ट्वेल्व के एक बटे बारह में भाग, एक बटे बारह में भाग को, एक बटे बारह में भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया है। इसी को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया है इसी को परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसी को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, इसी को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। चलिए एक बार फिर से मिला देते हैं, हिंदी वाले लिख लीजिए, लिखिएगा किसी परमाणु कोमा अणु या आयन के द्रव्यमान को मापने के लिए हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को या O16 के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक बटे सोलह में भाग को या C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक बटे बारह में भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया है, इसको हम परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन होगा फिर कि जब हम परमाणु को अलग ही नहीं कर सकते तो फिर हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे या ओ के एक परमाणु के द्रव्यमान को निकालकर उसका एक बटे सोलहवां भाग कैसे करेंगे। तो देखिए हम थ्योरी से निकालेंगे दी वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई का ग्राम में क्या मान होता है। दी वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम, यानी देखिए दी वैल्यू ऑफ एएमयू अभी लिखे थे इन ग्राम, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई का ग्राम में मान। देखिए यह जो एएमयू है यह एक सैद्धांतिक इकाई है और ग्राम और किलोग्राम जो होते हैं यह व्यवहारिक इकाई है। आप किसी बुक में जाओगे तो आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा द रिलेशन बिटवीन थ्योरिटिकल यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट, यानी सिद्धांत में हमने क्या लिया है यूनिट एएमयू और प्रैक्टिकल में क्या यूनिट है तो ग्राम। तो यानी एएमयू का ग्राम में क्या मान होगा अब हम यह निकालेंगे। देखिए आपको डिफिनेशन अभी लिखाया और डिफिनेशन में क्या लिखाया या तो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान को या क्या लिखा है O16 के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक बटे सोलह में भाग को या फिर क्या लिखा है C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक बटे बारह में भाग को। हमने परमाणु द्रव्यमान
इकाई के रूप में लिया गया है। देखिए अभी नाइडेज जो मान्यता है तो उसमें लिया जाता है सी टल के एक एटम के वेट के 1/12 पार्ट को। ठीक, जहां से देखिए हम लिखते हैं द एटॉमिक वेट ऑफ C12, यानी तो यह कितने के बराबर होगा 12 AMU। यानी हिंदी में देखिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C12 का परमाणु द्रव्यमान यह बराबर क्या होगा, तो यह बराबर देखिए होगा 12 AMU। अब देखिए कल के वीडियो में हम एक आपको नया थ्योरी देंगे और वह थ्योरी देखिए होगा आपको ग्राम एटम का। वह थ्योरी किसका होगा, तो वह थ्योरी होगा आपको ग्राम एटम का। और ग्राम एटम का थ्योरी देखिए क्या कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को आप ग्राम में रख दोगे तो वह ग्राम एटम कहलाएगा। तो देखिए कार्बन के एक एटम का वेट है 12 AMU, तो क्या लिखेंगे, दैटफोर देखिए हम लिखेंगे ग्राम एटम ऑफ C12, यानी देखिए C12 का ग्राम परमाणु। अब इसको पहले समझ लीजिए, देखिए ग्राम एटम क्या होता है, जिस एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक वेट होगा उसको आप सीधे ग्राम में रख दोगे तो कार्बन के एक एटम का वेट है 12 AMU, तो यह इक्वल टू होगा देखिए 12 ग्राम C एटम, यानी 12 ग्राम कार्बन एटम के बराबर। यानी जब किसी एटम के एटॉमिक वेट को आप ग्राम में रख दोगे तो वह कहलाता है ग्राम एटम। यानी कार्बन के एक एटम का वेट है 12 AMU, तो इस 12 AMU को हम ग्राम में बदल लिए तो यह हुआ 12 ग्राम कार्बन। और देखिए यह इक्वल टू देखिए होगा 1 मोल C एटम, यानी 1 मोल कार्बन एटम। और यह 1 मोल कार्बन एटम, और क्लास 9 में आप पढ़े होंगे 1 मोल जब किसी एलिमेंट का होगा तो यह होगा 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 एटम ऑफ कार्बन। देखिए फिर से इसको समझिए, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हम ग्राम में रख देंगे तो वह ग्राम एटम अंग्रेजी में कहलाएगा, हिंदी में कहेंगे ग्राम परमाणु। तो कार्बन का ग्राम एटम हुआ 12 ग्राम कार्बन, वह बराबर होता है 1 मोल कार्बन एटम के। मोल भी आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, दूसरे तीसरे या चौथे वीडियो में हम भी पढ़ाएंगे आपको। तो 1 मोल कार्बन एटम होगा और 1 मोल कार्बन एटम में आपको मिलेगा 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 एटम किसी भी एलिमेंट का। जैसे सपोज कीजिए हम यहां लिखते ऑक्सीजन O16, तो 16 AMU लिखते, क्या होता ग्राम एटम ऑफ O16 इक्वल टू 16 ग्राम O एटम इक्वल टू 1 मोल O एटम इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट के डिफिनेशन में आप आइए, एटॉमिक मास यूनिट के डिफिनेशन में हमने क्या बताया है कि C12 के एक एटम के वेट का 1/12 पार्ट। तो देखिए इसको देखिए, यह देखिए ग्राम एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू कितने के है 12 ग्राम कार्बन एटम के, यह इक्वल टू है 1 मोल के, यह देखिए 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 एटम ऑफ कार्बन। यानी देखिए अब सब बराबर हैं तो ये बराबर होंगे इसके। अब देखिए क्या लिखेंगे,
सेल्स 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन व्हिच 12 ग्राम। देखिए मतलब वेज मतलब क्या होगा, मापता है। यानी 6.023 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु कार्बन का लोगे तो वह कितना माप देगा, 12 ग्राम के। देयरफॉर देखिए 1 एटम ऑफ कार्बन कितने को वे करेगा, तो देखिए 12 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 ग्राम के। 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 ग्राम के, यानी इससे हमने निकाला कि कार्बन के एक परमाणु का वजन कितना होगा, तो वह कितने के बराबर होगा, 12 बटे 6.023 गुना 10 पर पावर 23 ग्राम के। यानी इतने एटम का वेट है 12 ग्राम, तो 1 एटम का वेट होगा इतने ग्राम। इसको सभी बच्चे तुरंत नोट कीजिए, फिर आगे लिखते हैं। जरा तेजी में आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब देखिए, हमने एक एटम का वेट निकाल लिया। एक एटम का जब वेट निकाल लिया तो चलिए अब हम लिख देते हैं। अब हम देखिए इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए वेट ऑफ एंड एटम ऑफ C12, यानी हिंदी में आप लिखोगे इसको, तो हिंदी में जब आप लिखोगे तब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे सारी। देखिए अब हम इसको लिखते हैं, एक मिनट देखिए हम इसको लिखते हैं, इसको देखिए लिखते हैं वेट ऑफ एन एटम ऑफ C12 इक्वल टू, देखिए हमने क्या निकाला, हमने देखिए निकाला 12 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 ग्राम। यानी देखिए C12 के एक परमाणु का भार यह हमने निकाला 12। देखिए यहाँ अभी लिखे हुए थे कितने एटम का वेट है 12 ग्राम, तो 1 एटम का वेट कितना होगा, हम निकाल लिया। अब देखिए एटॉमिक मास यूनिट का हमने जो आपको डिफिनेशन अंग्रेजी में लिख दिया था और हिंदी में लिखाया, उसमें क्या था कि C12 के एक एटम का 1/12 भाग। फोर देखिए 1 AMU बराबर देखिए कितने के होंगे, एक कार्बन के एक एटम का भार का 1/12 भार। तो यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU, ठीक। यानी देखिए 1 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई,
यह क्या होगा, एक परमाणु के द्रव्यमान का एक बटा बारहवां भाग, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 ग्राम। इसको काट दीजिए, यह कितने के बराबर होंगे, तो 1/6.023 मल्टीप्लाइड बाय कितने के होंगे, 10^-23 ग्राम के। और देखिए इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो यह देखिए आएगा 0.166 मल्टीप्लाइड बाय 10^-23 ग्राम, यानी भाग दोगे आप तो, और इसको जब और सिंप्लीफाई कर दोगे तो यह कितने के बराबर होंगे, 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-24 ग्राम के। यानी एक एमयू का ग्राम में कितना मान आपको निकला, तो एक एमयू का ग्राम में मान निकला 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-24 ग्राम। यानी देखिए 1 AMU बराबर आपको हुआ 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-24 ग्राम, और इसको केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 AMU = 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27 ग्राम। 1.66 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ग्राम हमने लिख दिया, 1 AMU = 27 kg। यानी देखिए हमने जो थ्योरेटिकल यूनिट आपको बताया एक AMU, उसके लिए हम बताया कि एक AMU का ग्राम में कितना मान होगा, तो ग्राम में मान होगा 1.66 × 10^-24 ग्राम, और एक AMU बराबर होगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27 केजी। यानी एक AMU का ग्राम में इतना मान होगा। अब अंदाजा लगा लीजिएगा, ये एक ग्राम का बहुत ही कम हिस्सा है, यानी एटॉमिक मास यूनिट का हमने ग्राम में मान निकाला। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से समझे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। और हमारा जो कोचिंग के क्लास का मकसद होता है, वह मकसद होता है कि बच्चों को सिखाया जाए एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल में। हमारा कोचिंग बेसिकली भागलपुर में है, भागलपुर यूनिवर्सिटी के बगल में। जो बच्चे आएंगे जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप देखिए, कुछ सीखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी कल आने वाले नए वीडियो में। धन्यवाद।